26 जनवरी की वजह से ये 27 और 28 को मेरे पास सारे प्रोडक्ट आए हैं, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में, कहीं से भी डैमेज नहीं है, बढ़िया तरीके से आए हैं। हमारे लिंकिंग रॉड, फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन भी ओके रिपोर्ट तरीके से आई है। और भाई आप लोग देख सकते हो, मैंने इस पे से सारे के सारे जो एड्रेस वाले स्टिकर होते हैं वो हटा दिया है। सो भाई इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और इसमें मैं आप लोगों को इसकी अनबॉक्सिंग भी करके दिखाता हूँ कि अंदर से कैसे देखने में लगते हैं, बाहर से तो बिल्कुल परफेक्ट। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। इस गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ और सामान की प्लेसमेंट जो है वो थोड़ी सी अच्छी तरीके से करनी पड़ रही है, क्योंकि पीछे जो है वो जिप्सी का थोड़ा सामान रखा हुआ है, जो कि मैं आपको अभी इस वीडियो में नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन पूरी परफेक्शन के साथ है। और अब निकल रहा हूँ सीधे काम कराने के लिए। हम लोग आ चुके हैं कमलेश भाई के पास, और यहाँ पर अनबॉक्सिंग करते हुए दिखाता हूँ मैं आप लोगों के अंदर से इसकी पैकेजिंग कैसी दिखती है। तो देख लो भाई, जैसे हो सकता है उतना अच्छी तरीके से कर देंगे। समझ नहीं आ रहा भाई को कहाँ से खोला जाए। देख ऊपर से कैसे खुलेगा, इधर से खुलेगा ना। हाँ इधर से कट मारो, इधर से मस्त वाला कट मारे, बढ़िया। और देख लो पूरे बॉटमों की आप लोगों को यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाएगी, और काफी खतरनाक वाली टेप लगा के भेजा हुआ है पूरा, देख लो। ये ओपन हो चुका है, और एक बारी भाई अंदर की पैकेजिंग देख लो आप लोगों को, पूरा जो भेजा गया है वो लगा के भेजा गया है, और थर्माकोल लगा हुआ है इसी के साथ में, MGP का ओरिजिनल है जो आप लोग देख सकते हो, पार्ट नंबर तक आप लोगों को लिखा हुआ दिख जाएगा। तो भाई निकालो एक बार। तो ये हमारी शॉकर निकल गए विथ स्प्रिंग, देख लो आप लोग, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था मैं विथ स्प्रिंग ही चेंज कराऊंगा, तो विथ स्प्रिंग वाली चीज़ निकल गई, और बिल्कुल इसके अंदर आप लोगों को बिल भी मिल जाएगा, ठीक है, सब चीज़ें मिलेगा, बॉडमो वाला आप लोगों को बिल मिलेगा। तो भाई दोनों देख लो निकाल दिया भाई ने, ओके रिपोर्ट है भाई, उसको भी खोल दो दूसरे वाले को। तो ये तो हमारे पीछे वाले शॉकर हो गए, नहीं सॉरी ये आगे वाले शॉकर है ना, ये आगे वाले शॉकर है, और हमारे यहाँ पीछे वाले शॉकर खुलेंगे। सो आगे वालों में जो है आप लोगों ने चीजें देख लिया, पीछे वाले देखो आप लोग, खाली बॉक्स भी है, खाली बॉक्स का क्या है, सब चीजें तो होगी ना इसके अंदर, सामान की कमी है, ये तो वैसे ही है ना, ये वैसे ही रखा होगा, टकराए टकरे तो खराब ना हो। यहाँ पर इसको खोल के, और इसमें एक चीज और दिखा देता हूँ आपको, देखो नीचे की तरफ में देखोगे MGP की ओरिजिनलिटी वाली चीज आप लोगों को दिख जाएगी। अगेन बिल्कुल सब कुछ कंपनी का ही आया है, अगेन बॉडमो से खरीदते हो तो पूरा सब चीजें कंपनी का ही मिलेगा आप लोगों को। देख लो भाई यहाँ से निकल गया, यहाँ से भाई खोल रहा है, खतरनाक वाली पैकेजिंग है ना, है भाई कर खतरनाक रखा था, इतना तो आपको मारुति वाले भी नहीं करके देते जितना इन्होंने पैक करके भेजा हुआ। भाई सारे डिब्बे जो है अपने वही यहाँ पर आ गए, और सब चीजें ओरिजिनल थी भाई, अभी तक की जितनी भी चीज दिखाई उसमें ये सब की सब चीजें ओरिजिनल है, और लास्ट जो रह रही है हमारी है रॉड होगी, लिंकिंग रॉड वाली है, कुछ हो गए देखो, इसमें बिल आया हुआ है, तो इस बिल को रख लेते हैं। भाई ने यहाँ पर क्रॉस चेक किया है कि भाई शॉकर आपके सही है कि नहीं, भाई तो बहुत टाइम से काम करे तो इनको पता चल जाता है, आइडिया आ जाता है। तो भाई भाई ने कहा बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, और कैटलॉग के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप लोग बॉडमो के अकॉर्डिंग भी मंगाते हो तो बिल्कुल परफेक्ट आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा। और भाई देख लो बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहा है, और आप लोगों को मैं खुद असर बताऊंगा कि गाड़ी में कितना फर्क आप लोगों को या मेरे को फील होगा जब ये लग जाएंगे। फिलहाल के लिए जो है भाई यहाँ से खोल रहे, तो भाई क्या क्या चीजें खोलनी पड़ेगी हम लोगों को, टायर उतारना पड़ेगा पूरा, हाँ, टायर खोलना पड़ेगा, ठीक है, और क्या क्या चीजें खुलेगी खोल, खोलते हुए भाई आपको दिखा देगा, पहले टायर उतारते हैं उसके बाद। देख लो लीकेज हो रखी है शॉकर में, आप लोगों को इजिली दिख रहा होगा यूली जो चीज आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ वाली इसमें पूरी लीकेज हो रखी है, और इस तरफ वाला और एक रियर वाला जो था वो भी लीक हो रखा था, लेकिन मेरे को पता यही था कि मेरा पीछे वाला, लेकिन भाई ने भी खोलते बताया कि भैया आगे वाला भी है, तो मैंने सही डिसीजन लिया कि मैं चारों चेंज करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग चारों चेंज एक साथ नहीं कराओगे तो इनबैलेंस हो जाता है, करवाना है तो पीछे के दोनों करवा लो या फिर आगे के दोनों करवा लो, तब थोड़ा बैलेंस बनता है, नहीं तो दिक्कत आती रहती है। तो इसको उतारने देते हैं भाई को, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये होती है आपकी लिंकिंग रॉड, ठीक है, और इसकी जो कंडीशन भाई ने बताई है वो बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, और भाई ने बोला इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बोला है कि भाई जब हम लोग पूरा ये काम करा ही रहे तो इसके साथ साथ में लिंकिंग रॉड भी चेंज कराए थे, दोनों साइड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, उस तरफ की भी कंडीशन दिखा दूंगा। इसी के साथ में अभी हम लोग शॉकर नहीं उतार रहे, भाई ने जैसा मेरे को बताया वो कह रहे हैं पहले हम लोग चेसी नीचे उतारेंगे क्योंकि उसके बुश चेंज करने हैं। तो ये जो ठुकाई की आवाज़ आ रही है दिखाता हूँ, क्या तो इधर का भी खुलने दो एक बार, फिर लिंकिंग रोड दिखाता हूँ कैसी हो रही है। तो गाइस मीनवाइल जो दूसरा काम स्टार्ट हो रखा है वो है हमारा चेसी उतार रहा है भाई,
और केवल इसको उतारा जाएगा क्योंकि बुश चेंज करना है, तो इसी का प्रोसेस चल रहा है। और जितनी भी चीज़ें आप लोगों को जरूरी हो सकती है वो बता दूंगा, बाकी पूरा प्रोसेस दिखाना मुश्किल है क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो नॉर्मली जो एक बार खोल लेते उसके बाद उस तरफ की लिंकिंग रॉड बिल्कुल ओके थी क्योंकि उसमें प्लेन ही आ रखा था। ये देखो कितनी फ्री हो गई है बिल्कुल, तो इसको तो भाई चेंज कराना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए भाई पूरा सेट जब चेंज करवा रहे तो एक्स्ट्रा सही से करो, तो इसको भी भाई खोल रहे और मीन वाली जो है भाई चेसी का काम में लगा हुआ है। भाई नीचे जो है भाई ने जैक वैक लगा के सब कुछ खोल दिया। यहाँ से क्या कर रहे हो भाई? स्टेरिंग निकाल रहा हूँ। यहाँ से स्टेरिंग निकालोगे? तो निकल जाए। अच्छा चेसी जिससे आसानी से आप निकाल सको। तो भाई देखो आप लोगों को जितना हल्का फुल्का प्रोसेस मैं बता सकता हूँ, जब आप लोग काम कराने जा रहे हो आप लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा। तो देख रहे होंगे आप लोग भाई ने पाना छोड़ा हुआ है वहाँ पर और स्टेरिंग हटा रहे क्योंकि भाई चेसी जिससे बाहर निकल जाए क्योंकि उसका हमने बुश चेंज करना है। सो करने देते हैं भाई को। हमारी जो है चेसिस निकल चुकी है गाड़ी की, एक बार चेकआउट कर लो। और भाई इसमें क्या हमने चेंज करना जरा बताइयो। जंपिंग गियर का ये वाला बूस्ट चेंज करना है। एक तो ये चेंज होगा पूरा। हाँ। तो ये पूरी रॉड भी चेंज होगी या क्या चक्कर है? इसका बूस्ट, ये रबड़ चेंज होगा। अच्छा ये रबड़ इसमें चेंज होगा और वो आगे से हम चेंज कर देंगे है ना। लिंकिंग रॉड जो होगी हमारी वो चेंज हो जाएगी। तो भाई यहाँ भाइयों को खोलने देते हैं। और वैसे क्या कंडीशन है भाई चेसी की? अभी कुछ ऐसा लग रहा है कोई दिक्कत आ रखी है कहीं पर? इसमें भी दिक्कत है। तो इसको भी हम लोग चेंज करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी जॉइंट जो है हम लोग खरीद लेंगे। और बताओ कुछ और कोई लग रही है कमी? इस तरफ भी देखो जरा बॉडी जॉइंट बताओ। इस साइड का भी चेंज ही कर दो। चेंज ही कर देना पूरा। हाँ। क्योंकि भाई जब कोई दिक्कत दे ही रहा तो उसको चेंज ही कर डाल। चिमटा ऐसा करके क्या? चिमटा क्या होता है वही बता दो भाई, बहुत लोगों के मुंह से सुनी बात। चिमटा का भी बुश कटा हुआ भैया, देख लो। चिमटा का भी बुश कटा हुआ है, देखो टूटा पड़ा है। टूटा पड़ा है भाई, देख लो। तो देख लो खोलने के बाद क्या क्या चीजें पता चल रही है। इस साइड का भी कटा हुआ है। इस साइड का भी कटा हुआ है, कैसे पता चलता है भाई बताइए? भैया कटा हुआ है बुश। कहाँ पर? रुक जा, इससे हाथ दिखाते हैं, इधर आ जाते हैं, दिखाओ भाई। बुश कटा हुआ है अभी, ठीक है। ये वाला बुश भी कटा हुआ है। तो ये सब चीजें जो है भाई अभी हम लोगों को केवल इतना ही बताता कि हमने शॉकर चेंज करना है, ये खुलने के बाद ही पता चलता है, ये बिना खोले आपको नहीं पता चलेगा। तो ये सब चीजें मैं जो हूँ अरेंज करा रहा हूँ, मारुति जेन्युइन से ही लूंगा और लेके आता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। गाइस आप लोगों को एक चीज बताता हूँ जो मैंने एमजीपी में ओरिजिनल जाके परचेस किया है। अभी दो चिमटे परचेस किए है। ये क्या चीज है भाई? अच्छा ये पूरी किट आती है जो, ठीक है। और इसी के साथ साथ में ये क्या है? लिंकर आ गया और ये अपने दो बुश आ गए। अभी एक चीज और रह रही है जो कि थोड़ी कॉस्टली है और भाई जो है हमें बताएगा कि वो जरूरत है कि नहीं चेंज कराने की। अगर होगी तभी कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। वो करीबन 3200 रुपए की पड़ेगी। नाम भी नहीं ले रहा उसका, जब पूरा चेक करेंगे उसके बाद दिक्कत लगती है, तो उसकी बहुत जरूरत हुई तो तभी करेंगे। तो भाई जो हम लोगों ने अभी चीजें खरीदी है उसके प्राइसिंग आप लोग देख लो और 7200 कुछ रुपए यहाँ पर हम लोगों को पे करने पड़े हैं। तो जो बॉल जॉइंट है वो भाई किसके पास जाके ठीक होंगे? खरादिया के पास जाके लगेंगे। अच्छा यही उतार के ये वाले जो नए लाए इनको लगा देंगे। और भाई देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब पैसे लगा रहे हो बढ़िया तरीके से पैसे लगाओ क्योंकि एक बार ही काम कराना और गाड़ी से अगर प्यार करते हो तो भाई काम कराओ बढ़िया वाला। नेक्स्ट प्रोसेस जो है भाई वो है इसको फंसाने का और भैया अभी इसको चेंज करेंगे। देखो ये खुल गया आपका इधर से, जो पुराने वाले आप लोगों के जंपिंग रॉड में बुश थे वो कुछ इस कंडीशन में थे। नए वाले दिखा भाई, नए वाले लगने के बाद कैसे लग रहे? अब इसका सारा प्ले खत्म हो गया है, देख रहे हो बिल्कुल टाइट हो गया। ये पहले जो था ये हिलने लग गया था तो उसकी वजह से खड़खड़ आवाज जो मैं गड्ढों से गुजरता था तब आती थी, तो वो अब बिल्कुल मेरे को नहीं आने वाली है। अरे नट खोल के इस पार्ट को रिमूव किया, क्या बोलते भाई इसको? चिमटा होता है ये और जो नया चिमटा है वो देख लो आप लोग। तो भाई चिमटे में दिक्कत थी ना? हाँ, टूटा पड़ा है ये देख लो, निशान देख लो भाई। भाई ने आपको दिखा दिया और देखो चलाने में गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, ऐसी सच की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, लेकिन स्टिल भाई जब एक बार ही सब काम करवा रहे हो तो रच के काम करवाओ। और दूसरे साइड का भी भाई निकाल के दिखाएगा आपको, एक तरफ का चिमटा निकाल दिया था, दूसरी तरफ का चिमटा देख लो वो लेफ्ट साइड का। अच्छा वो राइट साइड का था, ये लेफ्ट साइड का
देख लो भाई, बिल्कुल ब्रांड न्यू MGP का ओरिजिनल। और हमेशा बोलता हूँ जो भी चीज़ लगा रहे हो ओरिजिनल लगा। तो भाई यहाँ से हमारा भाई आ चुका है खैरात के पास से, और सब चीज़ें एक बार चेकआउट कर लो, पूरा नया करके ले आया, देख लो। ओके रिपोर्ट बिल्कुल, और उस तरफ से बिल्कुल नया है, देख लो। और अब यहाँ पर बैठाने का काम किया जा रहा है, और ये जो रबर होता है ये भाई नया नहीं आता है, ये पुराना लगता है। एक बार इसका प्ले दिखाइयो कितना है। अब प्ले देखो, आप देखो प्ले नहीं है भैया, बिल्कुल भी प्ले नहीं है, देख रहे हो कितना टाइट चल रहा है। और भाई यही चीज़ चाहिए हम लोगों को, और वापसी नट लगा रहे हैं, फिर इसको नीचे फिट करते हैं, फिर वो शॉकर भी उतार के दिखाता हूँ किस कंडीशन में। तो भाई यहाँ पर चेसी का काम पूरा, जिस जिस चीज़ें का इसमें जुड़ने का था, जो जो चीज़ें इसमें सही होनी थी, जो जो चीज़ इसमें लगनी थी, वो लग चुकी है। और भाई हमने कोई भी चीज़ रिपेयर नहीं कराई है, सब चीज़ें डलवाई है नई, और इसको कर रहे हैं वापसी फिट। और आप लोगों को बताता हूँ, जब चेसी फिट हो जाएगा उसी के बाद शॉकर उतारे जाते हैं, तो भाइयों को फिट कर ले देते हैं। करीबन 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, जिसमें पूरा फिटिंग कर देंगे और बिल्कुल परफेक्ट इसको लगा देंगे। और भाई लोग जो है सारे नट से अभी इधर टाइट कर रहे हैं, और इसके बाद शॉकर उतारा जाएगा हमारा, और परफेक्ट बैठा हुआ है यहाँ पर। और ये जो ये लगा हुआ है ये ऐसे लगे रहेंगे, ये नहीं भैया ये निकाल लेंगे। है ना, ये निकालोगे ना, देखो निकाल दिया भाई, नहीं इधर से भी निकालेंगे, बढ़िया वाला। एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं बाहर से जब भी काम कराता हूँ कमलेश भाई के पास ही करवाता हूँ, कमलेश भाई के जितने भी यहाँ पर काम करने वाले बढ़िया भाई है। और इधर का काम हो चुका है कंप्लीट, और भाई ये काम बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो भाई अच्छे से कराओगे तो बढ़िया रहेगा। और बाकी भाई अपनी नई वाली चाबी भी देख लो, तो इसके ऊपर कहोगे तो एक वीडियो बना के दिखा दूँगा। तो आपने दूसरे तरीके की चाबी देखी थी, एक नई चाबी तैयार कराई है हमने, तो बाहर का काम जो है वो चल रहा है, अंदर का काम निपट चुका है। तो गाइस फाइनली जो है हमारा शॉकर उतर चुका है, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि लीकेज हो रखी है, सो कंडीशन वैसे ठीक है, लेकिन लीकेज वाला जो था वो मेन प्रॉब्लम थी। सो ये हमारा नया वाला है, और ये भाई ने दूसरे साइड का निकाल लिया साइड से, तो शॉकर एक बार आप लोग देख लो, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। और भाई एक चीज़ बता, स्प्रिंग तो साइड से ख़राब नहीं होती है, है ना, स्प्रिंग में दिक्कत नहीं आती, लेकिन भाई हम तो पूरा सेट ही डलवाएंगे, क्योंकि भाई अपने को चाहिए काम परफेक्ट। और ये जो है शॉकर जा रहा है वापसी डलने के लिए, और हालत यार इसकी ख़राब ही हो रखी थी भाई, देख लो लीकेज मारा हुआ खतरनाक वाला। चल सकता था, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं चलता, चल सकता था, लेकिन नहीं भाई हमने कराना बढ़िया वाला काम। तो भाई जो है वापसी इसको लगा के फिट कर रहे हैं, और ओके रिपोर्ट कर रहे हैं। भाई ने शॉकर को ऊपर की तरफ में दबाया हुआ है, और यहाँ से भाई कर रहे हैं नट को टाइट, देख लो भाई प्लेसमेंट नीचे बढ़िया वाली प्लेसमेंट हो रही थी शॉकर की। और भाई नए शॉकर लगे, और मैं बताऊंगा भाई गड्ढे में ले आके खास कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आएगा ना भाई मजा। हाँ मजा, गड्ढे में जाने में अब तो मजा आएगा, पहले खट करके आवाज आती खट 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 करके, तो वो आवाज में बहुत बढ़िया वाला फर्क आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लो कि हमारा दूसरे साइड का शॉकर भी निकल गया, ये बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, और इसको मैं यहाँ नहीं छोड़ने वाला हूँ, इसको मैं लेके जाऊंगा जहाँ पर इसकी जरूरत होगी वहाँ तक ये पहुँच जाएगा। सही है ना इसकी कंडीशन, तो बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। तो भाई नया वाला लगा रहे हैं अपना, और इस वाले को भाई पैक कर दो, ओके कर दो। देख लो शॉकर का काम हो चुका है, ऑलमोस्ट डन, आगे वाले शॉकर हो गए ओके रिपोर्ट, और यहाँ पर नट टाइट करने का प्रोसेस चल रहा है। और नट टाइट करने के प्रोसेस में भाई अपने सामने काम करवाओगे तो भाई बढ़िया तरीके से काम हो जाता है, क्योंकि पता चलता रहेगा कि कितना टाइट हुआ है कितना नहीं हुआ है। और मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि अब सस्पेंशन में जितना भी ज़रूरी चीज़ थी वो ओके रिपोर्ट हो चुकी है। सो गाइस जो लिंक रॉड होती है वो हमारी ब्रांड न्यू लग रही है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि प्ले जो था वो ज़्यादा आ गया था, तो हमने नया वाला लगा रहे हैं। दिखा दो भाई कहाँ फिट होती है, यहाँ पर ये जाती है, और इसकी प्लेसमेंट यहाँ पर फिटिंग होती है पूरी। तो भाई इसका क्या फ़ायदा होता है, लिंक रॉड का काम क्या होता है? ज़्यादा जर्किंग नहीं बुझाता है इससे, जैसे जंप करेगा ना। हाँ जी हाँ, तो ये शॉकर पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, इसके लिए दिया रहता है। अच्छा, जिससे शॉकर के ऊपर ज़्यादा लोड ना, बचाव रहता है शॉकर का। भाई देख लो यहाँ भाई फिटिंग कर रहे हैं पूरे परफेक्ट तरीके से, और भाई मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है, और मैं बहुत जल्दी तरीके से एक बढ़िया टेस्ट ड्राइव करना चाहता हूँ, तब मैं आपको और अच्छी तरीके से बता पाऊँगा। और भाई बाकी तो देखो पूरा ब्रांड न्यू लग रहा है, जो काला काला आप लोगों को दिख रहा है सारा ब्रांड न्यू है। और गाड़ी के जब खुला था मैंने भाई से पूछा चेसी में कोई जंग वंग तो नहीं लग रहा है, भाई ने कहा चेसी में कोई जंग नहीं है। जंग था भाई कोई नहीं, बिल्कुल बढ़िया तरीके की थी। बाकी इसकी फिटिंग होने देते हैं, उसके बाद पीछे वालों की तरफ आएंगे। तो पीछे वाले जो होते हैं वो आपके नॉर्मल वाले शॉकर होते हैं, जो ऐसे देखने में होते हैं। काम था वो सारा भाई ने कंप्लीट कर दिया है, यहाँ पर बस नट टाइट करना चल रहा है। आप लोगों को एक चीज़ बताया था, इसके बाद आप लोगों को व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवानी पड़ेगी। रीज़न क्या है भाई, जो टायर है उसकी जो थोड़ी सी शेपिंग होती है वो टेढ़ी होगी, अगर आप नहीं कराओगे अलाइनमेंट और बैलेंसिंग तो एक तरफ से टायर पूरा खा जाएगा, यानी कि ख़राब हो जाएगा। और जल्दी से जल्दी करवा लो,
क्योंकि भाई ये चीज जरूरी है, बाकी भाई जो अभी टाइट कर रहा है एक बार रुक के रिपोर्ट करना था उसको। एंड और बोल जॉइंट चेंज करवाने के बाद व्हील एलिमेंट करवाना पड़ता है। क्या चीज करवाने के बाद? एंड और बोल जॉइंट चेंज करवाने के बाद। अच्छा, करवाने पड़ता है। बाकी देखो भाई स्टेयरिंग अपना खुला नहीं है तो आप लोगों को एक चीज डेमो दे देता हूँ। भाई देखो अभी गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है, ठीक है, और स्टेयरिंग में देखो आप लोगों को फर्क दिख रहा होगा, मुड़ रहा है, देख रहे हो आप लोग? तो ये जो है बिल्कुल सीधा सीधा हो जाना चाहिए, मतलब स्टेयरिंग जब सीधा है तो बिल्कुल टायर स्ट्रेट होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है, जो कि जब मैं अलाइनमेंट कराने जाऊंगा तब बिल्कुल ओके रिपोर्ट हो जाएगा। सो भाई ताम झाम देख लो, इतना सारा सामान मेरी गाड़ी में पीछे पड़ा हुआ था, अब इतना सारा सामान अगरबत्ती तक पड़ी हुई है क्योंकि वो रास्ते में अंकल लोग देते हैं ना, वो सब मैं खरीद लेता हूँ। और यहाँ पर अपना यहाँ पर इनक्लोजर निकाल के रखा हुआ, बाकी सामान रखे हुए। और यहाँ पर देखो जो पूरा वायरिंग सेटअप होता है, यहाँ से शॉकर का जो नट है वो खुलता है और यहाँ से भी एक नट खोला जाएगा। तो लेट्स सी हाउ इट विल गो। बैठ के जो है भाई नीचे बैठ के क्या नट खोले थे? शॉकर का नट। शॉकर का नट खोलते हैं, यहाँ से जो है ये उतर रहा है और शॉकर फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। और देख लो भाई, थोड़ा मैंने भाई को बोला है थोड़ा वायरों को बचा के, कोई दिक्कत ना आ जाए। तो भाई एक बार देख लो पीछे वाला जो मैंने आपको बताया था, ये वाला शॉकर जिसमें मेरे को दिक्कत भाई ने पहले ही बताई थी, एक बार दबा के दिखाइयो। दबाने पे बाहर आना चाहिए, बाहर आना चाहिए और यहाँ नहीं रहे, तो इसमें दिक्कत थी भाई, इसकी तो कोई जरूरत है ही नहीं अब क्योंकि हम लगवाएंगे नए वाले, तो इसको कर दे रहे साइड और बाकी चीजें जो है जब नया वाला लगाएंगे जो उधर पड़ा था मैं आपको दिखाता हूँ। तो न्यू शॉकर देख लो भाई अपना, और इसको भी भाई आपको दबा के दिखाएगा कि कैसे है। दिखा भाई ये दबे और देख रहे हो अपना ऊपर आ रहे हैं। तो यार देखो लाइफ जो होती है ना वो शॉकर की ज्यादा से ज्यादा, अपना 2013 मॉडल है तो 2019 में आके चेंज करा रहे, तो भाई फेयर इनफ है। और मारुति के यार चल जाते हैं पूरे ना भाई, मारुति के फिर भी चल जाते, नहीं तो और ब्रांडों के उसमें तो बहुत जल्दी खर्चा आ जाता है। तो भाई को इसको प्लेस करने देते उसके बाद आपको। तो गाइस हम लोगों ने जो कैलिबर लगा रहे हैं वो हम लोग मारुति जनरल लगा रहे हैं, भाई ने बोला है कि टीवीएस वाला ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है, ये हमें कॉस्ट किया है 1400 रुपये। और पढ़ना है तो भाई इसके बारे में इधर पढ़ लो, 874 वैसे लिखा हुआ है, ब्रेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। खोल के जब भाई लगा रहा होगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आगे का फिर से खोलना पड़ेगा अभी? हाँ, खोलना। तो कितना टाइम लगेगा उसमें? 10-15 मिनट में हो जाएगा पूरा। तो भाई आप लोगों को होते हुए दिखा दूंगा। एक तरफ से शॉकर हो चुका है बिल्कुल ओके रिपोर्ट, दूसरी तरफ का शॉकर डाला जा रहा है और यहाँ पर देख लो टाइट होती है सब चीज़ें, आप लोगों को दिख जाएगा आइडिया के लिए। और यहाँ पर भाई डाल रहे हैं और यहाँ से ऊपर निकल के ये भी ओके रिपोर्ट जाएगा। तो भाई देखो फायदा क्या हुआ, देखो चारों चेंज कराने में, पहले केवल हमें पता था वो वाला खराब है, उसमें दिक्कत है जम की, ये वाला भाई ने दोनों पूरे नए वाले फिट कर दिए। और इस वाले की तरफ की कंडीशन दिखाता हूँ आपको, दिखाइए लीक कहाँ से हो रहा था, देख रहे हो तेल से पूरा भरा हुआ है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। और भाई अब देखो गाड़ी कितनी अच्छी जंप लेती है और क्या रिस्पॉन्स आता है वो आप लोगों को बताऊंगा। तो भाई आपके भाई ने खुद ही कैलिबर में पेंट कर दिया है क्योंकि रंग थोड़ा ऑड सा लगता है, भाई ने पन्नी लगाई ये वाली जिससे प्लेट व्लेट में ना लगे, देख लो भाई क्लीनली किया बिल्कुल मैंने, और भाई ने मदद कर दी मेरी अच्छी खासी। तो अभी हम इसमें थोड़ी देर सूखने दे रहे हैं इसको 10-15 मिनट, उसके बाद लगाएंगे टायर, तब तक उस तरफ का लगा रहे। देखो उस तरफ का तो मैंने आपको दिखा रही था, इस तरफ देख लो जो कैलिबर पुराने वाला है वो कैसा देखने में मिलता है। और फ्री प्ले कैसे चेक होता है भाई ये भी बता दे। फ्री प्ले ऐसे देखो, ये मोमेंट हो रही है ना इसमें? हाँ। तो ये नहीं होनी चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो भाई देख लो, भाई ने कहा कि भैया एक चीज यही रह रही थी ये भी आप करवाई लो, तो भाई ने बंद कर दिया था आगे वाला टायर, लेकिन उसके बाद भी कहा नहीं भैया करते हैं फिर से, तो खुलवा के ये अपना टीवीएस वाला मंगाया और इसको अब लगाएंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग पेंट भी करेंगे, फिर थोड़ी देर छोड़ देंगे टायर लगाने के लिए, और बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। उसके बाद टेस्ट ड्राइव करके देखेंगे गाड़ी की भाई क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। कैलिबर था आपका ऐसा दिखने में, और न्यू कैलिबर भाई अभी लगा रहा है और फिट करने के बाद पेंटिंग भी की जाएगी इसमें। भाई मुसाफिर आखा जोशी, लगाने दो भाई लगाने दो। मैं देख लो भाई लास्ट में भाई जी चेक कर रहे थे सब कुछ और कूलेंट कम निकला है गाड़ी में, तो भाई ने कूलेंट डाल दिया और इसको ओके रिपोर्ट करके बंद कर रहे हैं। और कोई कमी तो नहीं है भाई? नहीं। ब्रेक ऑयल वेकऑल सब ठीक है? हाँ। भाई ओके रिपोर्ट है, बाकी चीज़ें सब चीज़ चेक करा लिया, क्रॉस चेक फिर से मैंने करवा लिया एक बार, बस ये हो गया अपने टायर टाइट और टेस्ट ड्राइव के लिए निकलूंगा। सो गाइस अभी देख लो गाड़ी स्ट्रेट चल रही है और स्टेयरिंग देखो कैसा वर्क है, तो ऐसे करने में ये टेढ़ी जा रही है, तो ऐसे में इसका बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर बनाऊंगा। तो भाई ऐसे में करना क्या है, आपने जाके करानी इसके अलाइनमेंट जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी जो लेबर मैंने पे किया है दैट वॉज 2000 रुपीज, 2000 रुपये का मैंने लेबर पे किया, बहुत मेहनत ही भाइयों ने की है स्टार्टिंग में जब ये काम हो जाता है। इसके बाद ब्रेक्स जो है उसमें आप प्रेशर बनाना, उसके बाद ब्रेक मारना, नहीं तो भाई ब्रेक्स लगते नहीं है, तो पहले प्रेशर बना लेना। और बाकी चलो जैसा होता है अलाइनमेंट वाली चीज वो मैं आपको दिखाऊंगा। गाड़ी से बाहर उतर चुका हूँ, व्हील बैलेंसिंग के लिए आया हूँ, अंदर लगाएंगे व्हील बैलेंसिंग करेंगे गाड़ी की बढ़िया वाली। तो गाइस आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि हम लोग करवाने वाले क्या है, जो मेरे पीछे के टायर थे वो लगेंगे आगे, जो आगे के वो पीछे,
सो आफ्टर एवरी 5,000 to 7,000 किलोमीटर मैं ये करवाता हूँ। इससे जो है भाई बराबर टायर की जो घिसने वाली चीज़ होती है वो चलती है और इससे टायर जो है बराबर बढ़िया रहता है और उसकी लाइफ भी अच्छी बनी रहती है। तो गाइस हम लोग कर रहे हैं टायर की बैलेंसिंग और जितना एक ओवरव्यू आप लोग देखना चाहते थे इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना रखी है। तो दूसरा टायर ये है, दोनों को एक्सचेंज करेंगे, आगे पीछे वाले को परफेक्टली लगाएंगे। भाई यहाँ पर चल रही है अपनी गाड़ी की फुल अलाइनमेंट। तो भैया एक चीज़ बताओ, जो स्टेयरिंग वाली प्रॉब्लम है वो चेसी उतारने की वजह से होती है ना? हाँ, वो सस्पेंशन होता है, इस वजह से आउट होता है, इस वजह से आउट हो जाता है ना। तो भैया देखो यहाँ पर प्रोसेस करेंगे पूरा, क्या क्या करोगे भैया इसमें आप? इसमें अलाइनमेंट होगा, कटिंग मिलाया जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में स्टेयरिंग मिलाया जाएगा। तो वो गाड़ी चला के भी चेक किया जाता है? हाँ, सब कुछ। तो भाई देखते हैं कैसा रहता है पूरा प्रोसेस और भैया को करने देते हैं यार पूरा सही तरीके से, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर खोला हुआ है स्टेयरिंग, देख रहे हो, और यहाँ पर चेकआउट हो रहा है सब कुछ कि क्या पोजिशनिंग बन रही है क्या नहीं बन रही है। वहाँ से भाई एडजस्ट कर रहा है पूरा स्टेयरिंग, भाई ने बाहर भी उतारा था अभी। कितना नंबर लिखाना चाहिए भैया? 90 और 10 ठीक है। देखो 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 टाइम की गाइस, आप लोगों को दिखा दूं भाई क्या रिस्पांस है। तो अपना स्टेयरिंग देख लो, बिल्कुल स्ट्रेट है, और आगे टायर भी देख लो भाई, ठीक है, इधर से दिख रहा है, दिख रहा है, इधर से देख लो, बिल्कुल स्ट्रेट है। सो गाइस जितना वीडियो में आप लोगों को दिखा सकता था मैंने दिखा दिया है। अभी मैं कहां पर हूं गैस कर लो भाई। हाँ हाँ, अपनी जिप्सी का काम देखने के लिए आया था, कितना काम हो गया आज। इंजन का जो है भाई ने पूरा मिट्टी तेल से सफाई वाला काम था, तो उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई, आपको इंजन बनता हुआ दिखाऊंगा। लेकिन जो गाड़ी का आज पूरा काम हुआ उसमें 21,000-22,000 रुपए तक की स्पेंडिंग हुई है मेरी तरफ से। और क्या इसको करवाना वर्थ था कि नहीं था भाई, मेरी तरफ से वर्थ था, क्योंकि ये गाड़ी अपना प्यार है, इसमें अंधा पैसा लगाया हुआ है और सोचते भी नहीं है इसमें पैसा लगाने के बाद, क्योंकि ये अपना अलग ही प्यार है। और अगर आप किसी चीज को प्यार करते हो तो उसका ध्यान रखना, उसकी केयर करना आपके लिए बनता है। अगर आप में से कोई भी कार लवर है तो भाई समझ जाओ, हिट लाइक करो जल्दी, बढ़िया से। और इसी के साथ में गाइस आज जो आप लोगों ने होते हुए देखा वो पूरा जो मेरे को चीजें लाके दी थी वो boodmo.com ने दी थी, या boodmo.com, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई अलग तरीके से स्पेल करते हैं, तो boodmo.com है वैसे नाम, लेकिन अगर कोई बोलता है boodmo.com तो समझ जाना भाई इस चीज को। इसी के साथ में भाई जितना भी आप लोगों के लिए बढ़िया ऑफर हो सकता था मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ में 2 दिन के लिए, 2 और 3 या कुछ कोई डेट है जिसमें boodmo.com आप लोगों को MGP में बहुत बढ़िया ऑफ दे रहे हैं, जिसका मैंने यहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों को एक स्टिकर या फिर जो उन्होंने पैम्पलेट टाइप का बनाया वो दिखा दिया होगा। भाई बहुत ट्रस्टेड जगह है, अगर घर से बाहर नहीं चाहते हो और सीधे चाहते हो कि घर पे सारा सामान आ जाए तो भाई इधर से मंगवा लो, बढ़िया है। इनकी गूगल में आप सर्च करोगे आप लोगों को इनकी लोकेशन ही पता चल जाएगी। अब इनका असिस्टेंट भी काफी अच्छा हो गया, पहले इनके नंबर नहीं हुआ करते थे, मतलब आप इनको कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, मेल के थ्रू आपकी बात होती थी, अब नंबर भी आने लग गए। इसी के साथ में इनकी ऐप भी है जो गूगल में, मतलब अगर आप सर्च करते हो ऐप स्टोर में सर्च करते हो तो आप लोगों को बहुत ईजिली मिल जाने वाली है। इसी के साथ में गाइस मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, मेरी गाड़ी टिप टॉप हो गई है, चलाने में मक्खन मजा आ रहा है, कहीं पर दूर लेके जाऊंगा तब रिस्पॉन्स और बताऊंगा। बाकी ओके रिपोर्ट, बिल्कुल कहते हैं ना ओके रिपोर्ट वाला काम है, वो गाड़ी के अंदर हो चुका है। इसी के साथ में गाइस अगर आज के वीडियो इन्फॉर्मेटिव बढ़िया और लगा हो कि आप लोग रिलेट कर सकते हो, आपको भी ये चीज करवानी थी अपनी गाड़ी में लेकिन कंफ्यूज थे कराऊं कि नहीं कराऊं, तो आप लोग के लिए वीडियो आ चुकी है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब तभी करना अगर कंटेंट आपके मतलब का। इसी के साथ में मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, लिखिए MUSAFIR7811 यानी कि मुसाफिर 7811, फेसबुक में फॉलो करना है, लिखिए मुसाफिर आका जोशी, थोड़ा भूल गया था मैं। सो इसी के साथ में भाई boodmo.com को थैंक्स बोलना चाहूंगा जिन्होंने बिल्कुल ऑन टाइम डिलीवरी करा दी। 26 जनवरी की वजह से लेट हो गया था लेकिन अगले दिन संडे को भी डिलीवरी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। इसी के साथ में आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, किसी भी पॉइंट में आप लोगों को लगता हो हाँ भाई बनता है सब चीजें, तो जो जो करना है समझ गए। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।